दिल लगी कर जिंदगी से, दिल लगा कर चल, थोड़ी सी है जिंदगी, थोड़ा मुस्कुरा कर चल। दोस्तों ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपनी लाइफ में वो इतने मायूस रहते हैं, इतने खामोश रहते हैं, इतना सब कुछ उनको मिला है ज़िंदगी से, फिर भी वो मुस्कुराते नहीं हैं। हमेशा वो चीज़ ढूंढते हैं जो उनके पास नहीं है, पर जो चीज़ उनके पास है वो चीज़ वो कभी नहीं ढूंढेंगे। उनके पास में कुदरत के दिया हुआ इतना अच्छा दिमाग, कुदरत की दी हुई सोचने की क्षमता, कुदरत की दी हुई हाथ पहलाने की शक्ति, चलने की शक्ति, किसी से भीख मांगकर अपना गुजारा ना करने वाली किस्मत, बाकी दुनिया में उनके पास सब कुछ है दोस्तों, सोचो सब कुछ है, फिर भी मुस्कुराकर अपनी ज़िंदगी नहीं निकालेंगे, पूरा दिन अपना ऐसे मायूस और इतने खामोश बनकर और ऐसे बन जाएंगे कि मान लो जैसे मैयत में बैठे हैं किसी के। ऐसे लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, सच बताएं। अगर आपको लगता है कि आप मुझे फॉलो करते हो और मेरी बातों को मानते हो तो हमें सदा रखिए, मेरी बात मान के चलिए, जिस वक्त ज़िंदगी ने आपको उठा के पटका हो, आपको लग रहा हो कि आपको इतना जोर से लगा हो कि कभी आज तक ना लगा हो, उस वक्त मुस्कुरा देना, तो देखना आपकी तकलीफें आपसे डर जाएंगे और जो चीज डर जाती है वो सामने कभी नहीं आती है। एक दिन तुम खुद से सिखवा करोगे, वक्त और हालात से नहीं, कि जिंदगी मेरी सामने थी और मैं दुनिया में उलझा रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जो जिस समय उनको जो चीज़ मिल रही होती है उस पर कभी ध्यान नहीं होता, कभी फोकस नहीं होता, उनका फोकस उन चीज़ों पर होता है जो उनके पास में नहीं है। मसलन के तौर पर जैसे सपोज अगर मैं बात कहूँ कि कर हम कुछ और काम रहे होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है और दिमाग में काम कुछ और चल रहा होता है, कैसे आप ले पाओगे वो चीज़ अपने दिमाग में, कैसे बन पाओगे एक्सपर्ट? सामने वाले की जितनी भी मेहनत है सब गड्ढे में। आए थे कुछ लोग मेरा दुख बांटने, आए थे कुछ लोग मेरा दुख बांटने, पर जैसे ही मैं थोड़ा खुश हुआ वो नाराज़ होकर चल दिए। दोस्तों इसका मतलब जानते हैं आप किन लोगों के साथ बैठे हुए हैं? सबसे पहले आपको ये बात पता करनी होगी, आपको ये बात सोचनी है कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, मुझे कोई भी इंसान मिल जाए, कोई भी मेंटर मिल जाए, कोई भी मुझे सिखाने वाला या दुनिया में कोई भी मुझे सच्ची राह दिखाने वाला मिल जाए, और मैं किन लोगों के साथ चल रहा हूँ, मैं किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, अगर उनकी सोच निगेटिव है तो आप कभी पॉजिटिव नहीं बन पाएंगे। सो हमेशा याद रखिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। किसी ने खूब कहा है कि सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। आप मेरा बात का मतलब समझ गए होंगे कि दुनिया में आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास में काम है तो आप काम में बिजी रहेंगे और आप उस काम को लेकर इतने चिंतित रहेंगे कि अपने लाइफ में कि वो काम आपका सही तरीके से हो जाए, कैसे करके आप उस काम में अपडेट हो जाएं। पर अगर आपके पास में कोई काम नहीं है और आप खाली हैं तो ये मान के चलिए कि आपके पास दुनिया की हर वो बात करने का समय है जो शायद आपके पास तब ना हो जब आपके पास काम होगा। तो ये बात सोच के रखिए कि किसकी बात हमें सुननी है, जिसके पास काम है या जिसके पास काम नहीं है। मौका जितना छोटा लफ्ज होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ उतनी ही देर के लिए आता है जितना वो छोटा होता है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि सब्र ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता है, बट अगर आपने सब्र नहीं किया लाइफ में तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि कुछ ऐसा है ज़िंदगी में, कहीं भी एक ऐसी चीज़ चल रही है जिसको मैं पा जाऊँ और रातों रात चमत्कार हो जाए, तो शायद इस दुनिया में सिर्फ चमत्कार ही होते, शायद ही आप इस दुनिया के करोड़ों घरों की लाइट रात के 3 बजे भी जलते हुए कभी ना देखते दोस्तों। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी लाइट बुझा दी ना तो वो भी ज़िंदगी के उसी भीड़ में गुम हो जाएंगे जहाँ से वो कभी निकल नहीं पाएंगे, और मैं उसको दलदल बुलाता हूँ। दोस्तों आज मैंने एक चीज़ सुनी है और कुछ सुना है आज मैंने, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सच बताऊँ तो मुझे दिल को छू गई है। दोस्तों सच बताऊँ कि मोटिवेशंस क्या होते हैं, कि कहीं से भी लिए जा सकते हैं,
मतलब आपको सिर्फ एक हल्की सी पिन बराबर, एक सुई बराबर, नोक बराबर भी अगर आपको उम्मीद दिखती है तो आप उससे भी अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। वैसे ही आज मुझे भी एक उम्मीद दिखाई दी और सच बताइए मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने ये सुना, तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को और मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। लोगों के दिमाग में जब तक दोस्तों सच बताओ नेगेटिविटी भरी रहेगी ना, तो वो ज़िंदगी में कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे और वो पॉजिटिविटी ही उनको सक्सेस दिलाती है, नेगेटिविटी तो उनको और नीचे ले जाएगी। आप अपनी भीड़ में इस तरह से खो जाओगे ना, वो जो ज़िंदगी का सफ़र इतना लंबा हो जाएगा कि वो कठिन भी होगा और दर्द भी देगा। तो कोशिश कीजिए अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, उन लोगों का साथ आज ही छोड़ दीजिए आपको लगता है जो गलत सोचते हैं, जिनकी सोच गलत है, जो मेहनत नहीं करना चाहते, उन लोगों के साथ रहिए जो मेहनत करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हर समय से अपने काम की बात करते हैं और तीसरी चौथी पांच ऐसी कोई बात नहीं करते। सच बताओ दोस्तों दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।